ओके तो यार बड़े ही दुखद समाचार है। बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये जो 100 मिलियन डॉलर अर्न करने की हम एक सीरीज चला रहे ना, इसमें हम लोग कभी भी 100 मिलियन डॉलर अर्न नहीं कर पाएंगे। अगर जिस हिसाब से हम वीडियो डाल रहे इस हिसाब से डालते रहे तो पता ना, मैं 3 दिन की एक वीडियो डाल रहा हूँ यार। सीरियसली मतलब इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने वीडियो बनाई ना तो कसम से FS25 आ जाएगा, लेकिन हमारा चैलेंज कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए ट्राई करते हैं। मुझे पता है आप लोग सोचते होंगे क्या यार तीसरी वीडियो में यार कंसिस्टेंसी का रोना, बट ट्रस्ट मी अब अपन रेगुलर वीडियो डालेंगे डालेंगे भाई डालेंगे, सच्ची डालेंगे यार। हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मिंग सिम्युलेटर 22 के एक और नए एपिसोड को, लेट्स गो। अच्छा तो चलो यार फटाफट से बताओ कि लास्ट वाली वीडियो में क्या हुआ था, किसी को याद है क्या? मतलब आज से 2-3 दिन पहले जो FS22 का एपिसोड आया था उसके अंदर, ऐसा मत बोलना कमेंट में कि भाई हमें कुछ नहीं पता और हमको तो याद भी नहीं रहता है, ठीक है ना। हालांकि वो रियलिटी है, बट यार चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या किया था हमने। तो आपको पता है पिछले से भी पिछले वाले एपिसोड के अंदर हमारे जब हमने वुड इंडस्ट्री शुरू किया था, याद है ना, मैं काफी लंबे टाइम से बोल रहा हूँ भाई वुड इंडस्ट्री चालू करेंगे, वुड 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 वगैरह वगैरह, हमारे साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफी सारी दिक्कत आ रही थी वुड इंडस्ट्री में, और उसी को हमने फिक्स किया था पिछले वाली वीडियो के अंदर। उधर हमने एक सो मिल लगाई थी बड़ी सी एंड काफी सारी चीजें करी थी जो कि, और उधर वो देखो भाई सामने एक तो 200 पेड़ों का जंगल लगा रखा है हमने जो कि धीरे धीरे ग्रो होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्लस इधर हमने एक बहुत ही जॉइंट बहुत ही बड़े लेवल का एक ग्रीन हाउस लगा रखा है, ठीक है। अगर इसका प्रोडक्शन दिखाओ ना एक बार में पास जाके, तो हालांकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि यार पिछली वीडियो के अंदर से ना हमने यहाँ से सारे टमाटर सारे जितने भी थे ना यहाँ पे केबेज वगैरह स्ट्रॉबेरी वगैरह जो कुछ भी पड़ा था इसके अंदर सब उड़ा दिया था भाई बेचने के लिए। बाकी यही कुछ था, अभी आज की वीडियो के अंदर करेंगे हम लोग कुछ धमाल कुछ खतरनाक चीजें एंड जो एक और मेजर चीज है कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमने करी थी वो करी थी, ये जो पिक का बांध था ये हमने यहाँ पे प्लेस किया था। और एक बार देखो भाई इधर हमारे शिप एंड इधर हमारे पिक मतलब दोनों एकदम पास पास में है ना, तो आपस में घूमते रहते हैं। प्लस हम ना यहाँ पे वीडियो के एंड मतलब वीडियो के एंड होते हो तो ना यहाँ पे मैं कुछ चीजें भी लगाने वाला था जैसे कि झूले या फिर ऐसी कुछ चीजें जिनमें इन लोगों को भी मजा आ जाए, मतलब इधर से उधर निकले भी और मजा ही आ जाए इन लोगों को, बट यार उस टाइम पे पैसे नहीं थे ना तो इसलिए उसको स्किप कर दिया था मैंने। बाकी हाँ इस वाले पिक बांध के अंदर खाना डालना अभी मैंने स्किप कर रखा है, ठीक है ना, इसमें खाना डाला नहीं अभी मैंने। अब अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊं ना तो अपने पास मेरे को क्या क्या चीजें भी हो रखा है, वो जो सबसे उधर की फील्ड है ना उस वाले फील्ड के अंदर प्लांट हो रखा है कॉटन जो कि अभी ग्रो हो रहा है। प्लस इस वाले फील्ड के अंदर हमने उसी वीडियो में फिर शुगर कैन भी प्लांट किया था, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने पूरी कंप्लीट कर दी थी इस फील्ड को जहां पर हमने इसके अंदर फर्टिलाइजर भी डाल दिया था, वीड भी निकाल दी थी, सब कुछ करके ना इस वाली फील्ड को एकदम रेडी कर दिया था। बस इसमें ना शुगर कैन की 100% ग्रो होने का इंतजार है, देखो 90% यील्ड बोनस और बस ग्रो हो ही रहा है। तो जब भी ग्रो हो जाएगा ना तो इधर से शुगर कैन और उधर से कॉटन दोनों निकाल के ना एकदम मजा आ जाएगा अपने को। अब देखो कॉटन से रिलेटेड एक बात बताऊं क्या, मेरे पास में थोड़ा कॉटन तो अपने हार्वेस्टर के अंदर पड़ा हुआ है, कुछ कॉटन जब वो फील्ड रेडी हो जाएगी ना तो उसके अंदर से निकालेंगे अपन। पहले मैं सोच रहा था कि यार ये कॉटन ना मैं बेच दूं ऐसे डायरेक्ट, पर यार कितना अच्छा हुआ सोचो मैंने ये कॉटन अभी तक बेचा नहीं है इस हार्वेस्टर के अंदर। देखूं आना मैं तो देखो भाई 17,000 लीटर कॉटन इसके अंदर ही पड़ा हुआ है। काम करूं क्या, इसको मैं चाहूं तो बाहर भी निकाल सकता हूं पर अंदर ही रहने दे यार, क्या पता बारिश वारिश हो गई और मेरे को पता नहीं है कि क्या बारिश सच में क्रॉप खत्म होती है खराब होती है नहीं होती है, इसलिए उसके अंदर ही रहने देते। बाकी पता है प्लान क्या है, अगर मैं आपको एक बार कंस्ट्रक्शन मेनू में जाके इधर से अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन पॉइंट है ना इसमें जाके दिखाओ ना, तो यहाँ पर एक फैक्ट्री है जो कि है आई थिंक ये देखो ये टेलर शॉप। तो यार है ना आप लोग भी बोल रहे हो काफी टाइम से कि भाई मैं कपड़ों का स्टार्ट करें अपन कपड़ों का स्टार्ट करें, क्योंकि देखो यार ये जो शिप का बांध लगा रखा ना यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो इतना सारा वूल प्रोड्यूस होता है ना, इतना सारा इधर पड़ा हुआ है, प्लस हमने स्टोरेज रूम के अंदर बहुत सारा वूल डाल रखा है, तो इस वूल को डायरेक्ट बेचना तो अपने बंद ही कर दिया है मालूम है ना, क्योंकि जस्ट अपने को कपड़े बनाने थे, तो कपड़े बनाने के लिए मेरे को एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी टेलर शॉप वाली जो फैक्ट्री है ना वो उसकी मदद से क्या होगा, अब उसमें कपड़े बनने के लिए पता है दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ये जो वूल है ना इससे कपड़े नहीं बना सकते अपन, अपने को वूल के साथ में कॉटन भी डालना पड़ेगा उसके अंदर, और वेट इसको क्या हो गया भाई तो अच्छा है ना आपने कॉटन नहीं बेचा यार, तो अपने पास ये कॉटन भी बैकअप में पड़ा हुआ है, प्लस नेक्स्ट किसी वीडियो में वो भी निकाल देंगे अपन तो उसका भी मजा आ जाएगा। अब यार मेरे को एक नया डे करना है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ पिक बान के अंदर खाना डालना है अपने को, प्लस मेरा जो काऊ का बान है ना अगर मैं बताऊँ ना यार आप लोग काफी टाइम से बोल रहे हो कि ये जो पोल्ट्री फार्म मैंने लगा रखा ना इन सबको हटा के मैं ना एक बहुत ही बड़ा सा पोल्ट्री फार्म लगा दूं जिसके अंदर खाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, मेनली खाने की कैपेसिटी, क्योंकि यार अपन बार बार खाना डालते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर में खाना खत्म हो जाता है और फिर अपनों को ना काफी दिक्कत आती है। बाकी यहाँ पे देखोगे ना यहाँ पे सिर्फ 5,000 लीटर खाना पड़ा हुआ, और अगर मैंने डे वगैरह स्किप किया ना जो कि रूल में नहीं है, बट देखते हैं अभी बिना रूल तोड़े अपन कैसे क्या कर सकते हैं। क्या है कि यार मैं डे स्किप नहीं करूंगा ना तो मेरे पास कुछ भी टास्क नहीं है अगर ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि इधर जो दोनों ही अपनी फील्ड है ना दोनों ही फील्ड के अंदर क्रॉप ग्रो हो रखी है, उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में एक आइडिया बताया था आपको कि अपन ना ये जो फील्ड है ना इधर से 45 नंबर की उधर से 48 नंबर की इन दोनों फील्ड के अंदर जो इन दोनों वीट को मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके हार्वेस्ट कर दूंगा ना, तो ये देखो अभी ग्रोइंग स्टेज में दोनों, तो वहां से ना मैं बहुत सारे स्ट्रो कलेक्ट कर सकता हूं और बहुत सारे स्ट्रो को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोस्ट के अंदर, और कंपोस्ट
महंगा बिकता है भाई अभी तक। हालांकि मैं काफी टाइम से बोल ही रहा हूँ महंगा बिकता है हालांकि बेचा नहीं अपनों ने अभी तक, लेकिन अभी भी देखोगे ना तो ये फील्ड भी देखो ग्रोइंग स्टेज में है, तो इधर भी है, तो कहने का मतलब कुल मिला के एंड ये भी देखो घास की फील्ड भी मेरी ग्रोइंग स्टेज में चल रही है। तो मैं मंथ स्किप करना, मंथ स्किप नहीं मतलब नाइट करके ना डे स्किप करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं सोचना होगा पिग बान, क्योंकि पिग बान के अंदर बिल्कुल खाना नहीं है और ये जो काऊ बान है ना इसके अंदर भी खाना लगभग खत्म होने वाला है ना, तो इनके अंदर पहले खाना डाल देते अपन ताकि एटलीस्ट क्या है कि अपन नया डे करेंगे ना तो कोई भी एनिमल वहां से मरे ना, है ना। क्यों मतलब बेचारे अपने मंथ स्किप करने के चक्कर में अपने फायदे के लिए क्यों इनको मारे यार अपन, है कि नहीं। ओके रही बात खाने की, वो बड़ा वाला ट्रेलर तो मैं नहीं ला सकता हूं, मैं काम करता हूं इस वाली फैक्ट्री के अंदर ना थोड़ा टीएमआर इकट्ठा हो चुका है। देखो याद है ना इस फैक्ट्री को मेरे को खाली करने के लिए यहां पे टीएमआर का एक्टिवेट कर रखा है मैंने। इधर देखो भाई इधर 27,000 लीटर टीएमआर बन रखा है, ओके एंड स्टिल अभी भी बन ही जा रहा है यहां पे। तो मेरे ख्याल से इनको टीएमआर डाल देना चाहिए उन लोगों के। और पिक के लिए तो अपने पिछली वीडियो में देखा ही था भाई, पिक भाई कुछ नहीं खाते यार, इनको ना इनके लिए स्पेशल फूड खरीदना पड़ेगा मेरे को, और उसके लिए भाई मेरे पास पैसे इतने है नहीं, तो पैसे भी अपने को कुछ बेच के ना बनाने पड़ेगा। आई नो यार देखो बहुत सारी बातें हो गई अभी तक, लेकिन यार अभी क्या करें यार, थोड़ी सी डिटेल देना जरूरी है नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि हो क्या रहा है अभी तक, और मेरे को भी तो पता होना चाहिए ना। हालांकि मेरे को सारी चीजें पता है कि अभी तक क्या चल रही है क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ देना जरूरी है नहीं तो क्या चल रहा है सब चीजें अगर ऊपर से आए तो फिर क्या मजा है। बाकी यार एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं मैं भी, तो जस्ट वेट करो एक बार मैं खाना डालता हूं। इसके अंदर हे पड़ी हुई थोड़ी बहुत, काम करता हूं हे को ना टीएमआर की फैक्ट्री में खाली कर देता हूं मैं, वहां पे हे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है तो थोड़ी बहुत हे डाल देते इधर से। एक बहुत ही मजे की बात पता चली मेरे को तो मैं वो बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल गलत मत समझना मेरी बात को, ओके। तो लेट्स गो यहां पे टीएमआर डालते सबसे पहले, तो इतना खाना एक तो हो रखा ना फैला पड़ा है। ओके तो बात ये है कि आज से 2 दिन पहले मेरी एक एफएस की वीडियो पर एक कमेंट आता है, उस कमेंट के अंदर मेंशन होते दो तीन चैनल मेंशन होते, ओके है ना। तो लिखा हुआ होता है कि ब्रदर दिस चैनल कॉपी योर कंटेंट, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मैं बोला हैं, फिर मेरी तो आंखें चकित हो जाती है, मैं तो देखने के लिए एकदम उत्साहित, मैं बोला हैं ऐसी क्या बात हो गई यार, अपने आइडिया अपने कंटेंट कॉपी हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हो यार। फिर मैंने देखे भी हो, हालांकि वो कमेंट मैंने हाइड कर दिया है जस्ट एज अ क्रिएटर, क्योंकि मैं भावना समझता हूं थोड़ी, तो एक्चुअली मैंने देखे भी थे तो 3 में से 2 चैनल तो भाई सच्ची कर रहे थे, लेकिन यार फिर भी ठीक है यार मैंने हाइड कर दिया वो वाला कमेंट जस्ट इसलिए क्योंकि यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप लोग उधर जाओ फिर आप लोगों को पता चले और उधर जाके फिर कमेंट में वही बातें करोगे भाई कॉपी, अच्छा नहीं लगता यार, है ना। मतलब सामने वाले बंदे को भी अच्छा लगता आप लोगों को भी अच्छा लगता, लेकिन जस्ट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यार सोचो अपने कंटेंट में थोड़ी इतना तो अच्छी बात होगी यार कि कोई कॉपी कर रहा है क्या नहीं तो दिस इज गुड। ऑलराइट तो इतना से टेंडर आते, और वेट एक चीज देख रहे हो क्या, शाम होने लग गई है, वो इसका मतलब समझ रहे हो मेरे को भाई, मंथ स्किप करने के लिए रूल ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, अपने आप डे स्किप हो जाएगा। अभी नाइट होगी और नाइट होती तो फिर अपन डे स्किप कर ही सकते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। तो चलो भाई इसलिए जल्दी से खाना डाल देते हैं, ऐसा ना हो कि इस नाइट स्किप करने के चक्कर में भाई खाना नहीं डाल पाए इनको और भाई निपट ही जाए लोग। एंड बस बहुत जल्दी अगले 2 या 3 वीडियो में अपन एकदम टॉप क्लास का हाउस बना देंगे, ट्रस्ट मी। आज की वीडियो में मैं उसी के लिए थोड़ा बहुत बजट इकट्ठा करने वाला हूँ, मतलब उसके लिए नहीं किसी और चीज के लिए। आपको पता है ना, आप में से किसी ने मेरे को चैलेंज भी दिया कि यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि देखो यार यहाँ से ना आपने इतने माइनस में चल रहे ना कि मैं कुछ सॉलिड सा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले पा रहा हूँ। ये देखो इधर से ये टोटल जो पैसे है ना, ये अगर मैं गिनू ना यहाँ पे जो पैसे लिख रहे ना ये मत गिनो, इधर जो टोटल माइनस चल रहा है इधर नीचे की साइड में ये देखो 250, इधर से 180, इधर से 146, तो इसे मिला के ना लगभग 600K के अराउंड पैसे हो रहे। तो ये सारे पैसे मेरे को जब तक प्लस नहीं करवाना मैं तब तक भाई मैं कोई से भी खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं पाऊंगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएंगे अपन तो पैसे नहीं बना पाएंगे अपन ज्यादा अमाउंट में, समझ रहे हो ना। और अगर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगानी है अपनों को, बहुत सारी चीजें करनी है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लेना जरूरी है। आज अपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे काफी सारे, और ये जो माइनस में हो रखे ना अपने पैसे इनको किसी तरीके से प्लस में लेके आएंगे ताकि अपन ना थोड़े अच्छे वाले कॉन्ट्रैक्ट ले सके। बाकी यार उधर देखोगे ना तो वो देखो भाई मस्त वाली शो मिल, और वहां पर एक चीज बताऊंगा इंटरेस्टिंग, इधर देखो यहाँ पर अगर मैं फैक्ट्री वाले मोड में जाऊँ ना जहाँ पे अपने सारे प्रोडक्शन चेन सारे प्रोडक्शन मीनू दिख रखे, ये देखो ये वुड का स्टोरेज देखो, तो वुड के स्टोरेज में से सारी लकड़ी ऑटोमेटिक खाली हो चुकी है, पता है, क्योंकि ये मैंने अभी देखा कि यहाँ पे वुड को ना मैंने डिस्ट्रीब्यूट पर सेट कर रखा है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि यहाँ से ऑटोमेटिक सारी लकड़ी अपनी जो सोमिल है ना अपनी वो सोमिल नहीं लगा रखी है अपनों ने वहां पे अपने आप सप्लाई हो जा रही है, मतलब मेरे को डालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तभी मैं कल सोचूं कि यार मैंने एक ट्रेलर खाली किया और 3.5 लाख लीटर लकड़ी कहाँ से आ गई यहाँ पे ये देखो भाई 3,60,000 लीटर लकड़ी पड़ी हुई यहाँ पे। एंड इधर देखोगे ना तो प्लैंक बन रहे काफी धीरे बन रहे, और धीरे इसलिए बन रहे क्योंकि यार कल ही तो अपने फैक्ट्री लगाई यार, है ना। तो बाकी ठीक है 29,000 लीटर टीएमआर इन सारा का सारा फूड मैंने कलेक्ट कर लिया है। ऑन रिवर्स तो ये ट्रेलर निकलेगा नहीं एज यूजुअल, अपने को पता ही है, तो मेरे को थोड़ा सा ना इसको सीधा निकाल के ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाएगा। अब प्रैक्टिस हो चुकी है इन चीजों की, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे निकल जा, अभी प्रैक्टिस की बातें कर रहा हूं मैं और फिर ऐसी बातें हो रही है। देखो एंड यार इधर वूल देखो एक बार कितना वूल दोबारा से इकट्ठा हो चुका है, हालांकि बहुत कम है, ऐसा लग रहा है ना 1 मिनट इनको धक्का मारना तो
यार इसके अंदर खाना जा नहीं रहा अलग चल में। और मैं आपको एक चीज बताना ठीक है, मतलब देखो दो ऑप्शन बताता हूँ मैं यार। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यार इधर अगर मैं एनिमल चेन में जाऊँ ना तो यहाँ पे जो एनिमल के ये इस टाइप के बान होते ना, ये देखो इस टाइप के बान, ये मेरे को लगाना अच्छे नहीं लगते यार सच में। पैक पैक जो बान होते ना ये बहुत अजीब लगते हैं। मतलब सोचो यार अपने को एनिमल दिखे ही ना बाहर से, क्या मजा आ रहा है फिर। ये देखो ये बान मैंने अपनी फर्स्ट सीरीज के अंदर लगाया था शुरू में, ऐसे लगाने में अच्छे नहीं लगते। एक प्रॉब्लम ये है कि जो पोल्ट्री फार्म मेरे पास अभी पड़े हुए ना उनका स्टोरेज इतना कम है। आप लोग बोल भी रहते कि भाई उसका स्टोरेज बढ़ाऊं मैं या फिर चेंज करूं ऐसा कुछ करूं। तो देखो यार उसके लिए ना उसको फिक्स करने के लिए दो ऑप्शन है, तो आप लोग बताना मेरे को क्या करना चाहिए ठीक है। आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूं आपके। एंड ये बातों में किधर जा रहा हूं मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रही है। मेरे को जाना चाहिए काओ के बाद में, यहां पे पूरा राउंड मार लिया मैंने उधर से बताओ। तो सीन है कि एक चीज तो अपन ये कर सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा खाने का स्टोरेज आता है, स्टोरेज नहीं मतलब खाने का, जैसे अपन पोल्ट्री फार्म में क्या डालते हैं वीट डालते हैं, तो एक बहुत बड़ा वीट का पैलेट आता है जिसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो या तो अपन एक बार में वो डाल दे ताकि काफी लंबे टाइम तक खाना खत्म ही ना हो, या फिर यार दूसरी चीज जो मैं कर सकता हूँ ना वो ये है कि जितने भी फार्म है ना, जितने भी नहीं मतलब मेन प्रॉब्लम अपने को सिर्फ पोल्ट्री फार्म में आ रही है, तो पोल्ट्री फार्म की कॉन्फिग फाइल के अंदर जाके ना उसका स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा दूं। अभी सिर्फ 8,000 लीटर है ना, 8 या 9,000 लीटर है, तो उसको मैं बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे खाना काफी ज्यादा स्टोर हो पाएगा, तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी बार बार खाना शाना डालने वाली। और ये सब बताना मेरे को कि इन दोनों में से कौन सी चीज अपने को करनी चाहिए। बाकी यार एनिमल में जाके ना पोल्ट्री फार्म अगर चेक करूं मैं तो देखो 3,000 यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है ठीक है, तो इनको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। बाकी और तो कोई एनिमल नहीं आ रहे। पिक बान यार, पिक लोगों को तो खाना नहीं डाला पिछली वीडियो में, तो इनको इंपोर्ट करा आप दोनों, अभी निपट जाएंगे तो फिर क्या मजा आएगा ना। एंड मेरे पास $16,000 पड़े हुए, तो $16,000 में क्या कितना खाना आएगा, चलो जितना भी आया थोड़ा बहुत तो डालू। वैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं है पिक का खाना, पिक का फूड कितना महंगा मिलता है, और आप लोगों ने बताया भी नहीं मेरे को लास्ट वीडियो में कि भाई पिक सच में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। पिक से यार अपने को डायरेक्ट प्रॉफिट कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट बस ये लास्ट में बहुत टाइम के बाद अपन उनकी केयर करे बहुत समय तक और फिर लास्ट में उनको जाके बेच दे महंगे भाव में, बस यही पिक का रोल है बस इतना सा। बाकी पिक से कुछ भी एक्सटर्नल सामान नहीं मिलने वाला है जिसको अपन यूज कर पाए किसी और जगह पे किसी और चीजों में। बाकी एक बार मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि पिक का फूड कौन सा यार, क्या लिखा हुआ आएगा क्या पिक फूड नाम से, और पिक फूड वेट ओके वेट, तो इसको मैं बाय कर रहा हूँ। एंड ओ पैसे देखो किस कदर कट रहे, बस 9,000 लीटर और $13,000 कट गए मेरे, बहुत महंगा पड़ रहा है पिक का फूड तो। बाकी चलो यार अब तो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा अपने को है कि नहीं कि पिक प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है या फिर क्या सीन है। बाकी यार ये देखो, ओ ये यहाँ पे मैं फूड डाल दिया था क्या पिछली वीडियो में, नहीं मैंने डालने का ट्राई किया था लेकिन डल नहीं पाया था, याद है अपन यहाँ पे हे डाल रहे थे, हे या शायद घास ऐसे ही कुछ सामान डालने की कोशिश कर रहे थे। बाकी मैं आ तो गया हूँ यार एकदम परफेक्ट, ऑप्शन भी नहीं आ रहा है यहाँ पे खाना डालने का। ओके मैं बहुत धीरे धीरे पीछे ले रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। ओके तो ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, लेट्स गो खाना डालते हैं एंड देख लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी भी, ओ वेट इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा यार, सारे खाना खाली हो गया यहाँ पे। यहाँ पर अगर मैं पिक चेक करूँ बेचारे तो व्हाट, अरे यार ये क्या बात हुई। देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे पिक का फूड डाला एक टाइप का और यहाँ पे 70 का फूड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। देखो 4,700 लीटर तो बेस फूड हो गया, ग्रेन हो गए 2,300 लीटर, प्रोटीन अलग हो गया, रूट क्रॉप अलग हो गई, तो मिक्स खाना आया आप लोगों को कुल मिला के 9,500 लीटर और यहाँ की कैपेसिटी मेरे को लग रहा है कि 30,000 लीटर के लगभग होगी। तो ठीक है अभी एटलीस्ट अपन डे स्किप करेंगे ना, ये कैसे ऑन पड़ा हुआ भाई, जबकि वेट ये देखो बंद हो गया ना इसमें बैठ के पुतरा में, तो अजीब ही ग्लिच चलते रहते यार गेम के अंदर इसके अंदर। ओके ठीक है घर वर में जा रहा हूँ मैं, इधर ही सो जाते अपन इस नदी तालाब के अंदर। ऑलराइट लेट्स गो। ओके एक बार ऊपर देखो सब 2400 माइनस प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और फिर अबे देखने तो देते मेरे को। ओके यहाँ से देखो भाई इनकम आई अपना $9,800 जो कि काय के आए पता है, सिर्फ एक रेस्टोरेंट में लगा रखा यार, मैंने साइड इनकम के कुछ भी सोर्स नहीं लगा रखे अभी तक। और आप लोगों ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था लास्ट वीडियो में कि ये जो फार्म है ना वो कॉटन वाला, उस पूरे फार्म के अंदर में ऑरेंज के ट्री मैंने बताया था ना वो वाले ट्री लगा दूं, तो लगाएंगे अपन। उसके लिए बजट भी चाहिए और मैं माइनस में कैसे चला गया, दिमाग तो खराब नहीं हो रहा है। $9,800 आए इधर से, $1,200 वोटर कॉस्ट लग गई, वाह भैया वाह। अच्छा फिर भी मेरे को गेम के लॉजिक समझ भी नहीं आया यार, एक बार इधर देखो यहाँ पे माइनस कितने हुए, 7,900 मतलब 8,000 मान के चलते ठीक है, 8,000 और 1200 कितने हो गए, $9,100 अपने पास में $9,800 आए रखे थे प्लस $3,000 मेरे पास ऑलरेडी भी पड़े हुए थे, तो माइनस तो होने नहीं चाहिए मेरे, अजीब हाल है यार फिर भी माइनस हो चुके। बाकी यार चलो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने कहा कि काफी सारी चीजें करनी है अपने को, सबसे मेन टारगेट तो ही ये जो अपने माइनस में चल रहे ना सारे पैसे इनको प्लस में करना है अपने को कैसे भी करके। और एक ऑप्शन अपने पास में कॉन्ट्रैक्ट करे अपन, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ये देखो ये जो घास की लैंड है ना इसके अंदर घास हो चुकी है अपनी रेडी टू हार्वेस्ट, तो फटाफट से ना एक मोवर ढूंढता हूँ मैं जो कि वहां पे पड़ा हुआ है, मोवर लगाते इसके अंदर ताकि ये घास भी कटती रहे। एंड यार अगली चीज जो ये देखो ये पड़ा हुआ अपना मोवर, अभी तक मैंने मोवर भी नया नहीं खरीदा, क्या बात कर रहे हो यार। अरे वेट वर्कर ही काम नहीं करेगा अपना, मेरे को सबसे पहले ना कुछ सामान बेचने दो यार, माइनस में चल रहे ना तो माइनस में वर्कर चलकर काम नहीं करने वाला है, क्या बेचे काम करेगा। ग्रेप की वजह से, और रे भाई ग्रेप की वाइन देखो अपनी, कितने सारे ग्रेप पड़े हुए, आई नो यहाँ पे पूरी तरीके से ग्रेप हुए नहीं बड़े, मतलब एक वाइन के पास में ना 4-4 पैलेट पड़े रहते हैं, बट अभी सिर्फ 2-2 पैलेट पड़े हुए हैं। बट ठीक है यार मेरा एक ट्रेलर तो फुल हो गई सही, और एक ट्रेलर यानी कि 80
$20,000। हाँ, होप से हो जाए एक ट्रिलर यार, बोल तो रहा हूँ मैं। ओके, तो यार वो जो आइडिया था ना कि वो जो कॉटन वाली फील्ड है ना, उससे कॉटन अपन हार्वेस्ट करके उस पूरी फील्ड के अंदर ऑरेंज का ट्री लगा दूं मैं, तो वो आइडिया मेरे को अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे जो एक जगह है, यहाँ पे वो जगह मैं अभी चल के बताऊंगा, ये जगह मेरे को काफी फ्री भी दिख रही है, यहाँ पे कुछ और लगाने भी नहीं वाला हूँ मैं, तो क्यों ना मेरे को थोड़ा सा टाइम जाएगा उस जगह को एकदम अच्छा करने में, मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन करने में। तो एक बार वो जगह क्लीन हो गई ना, तो वहां पे अपन ऑरेंज के ट्री लगा देंगे और अपनी जो फील्ड है ना, उस फील्ड को अपन किसी और काम में यूज में ले लेंगे। बाकी यार ये कुछ कुछ चीजें ऐसी पड़ी है अपने पास में जो अपना बहुत मस्त साथ देती है यार ऐसे इमरजेंसी टाइम में। जैसे अभी माइनस चले गए ना, तो देखो ग्रेप कितने पड़े हुए यार यहाँ पे। सोचो मैं ये जो भी थोड़ा और एरिया बच रहा है ना, ये एरिया जस्ट मैंने सोमिल के लिए छोड़ा था, लेकिन सोमिल अब क्योंकि दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है अपनी, तो अब इस जगह को भी मैं वाइन के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूँ। अपने पास ग्रेप बहुत ज्यादा होने वाले यार। बाकी मेरे को एक चीज बताना, क्या मेरे को इन ग्रेप के अंदर मैन्योर या फिर सीड या फिर फर्टिलाइजर ये चीजें डालनी चाहिए क्या? ये डालेंगे ना अपन तो यहाँ पे प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, मतलब जितने अपने को अभी बन रहे ना ये ग्रेप यहाँ से, ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। और इन लोगों को क्या हो गया भाई, पेड़, अरे पेड़ आ गया बिचारों के बीच में। रुको रुको मैं अभी निकालता हूँ, ये गया पेड़ साइड में। चलो 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 निकलो 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 अभी। मदद कर देनी चाहिए यार इस लोगों की, प्रॉब्लम वाली बात नहीं यार, बहुत सारे ग्रेप पड़े हुए। मेरे को पूरी तरीके से उम्मीद है कि पूरा ट्रेलर भर जाएगा मेरा, इनफेक्ट और बच जाएंगे ग्रेप यहाँ पे बाकी 100% और मेरा ट्रेलर हो चुका है फुल। एंड अभी भी देखोगे ना तो इतने सारे पेलेट और पड़े हुए, जो कि मेरे को लग रहा है कि एक ट्रेलर और तो नहीं लेकिन आधा ट्रेलर और भर जाएगा इनसे। बाकी ठीक है, अपने को तो एक ट्रेलर बेचना है, अभी तो एक ट्रेलर बेचते हैं। एक्चुअली क्या ट्रेलर मैं इसलिए भी बेच रहा हूँ क्योंकि मैं ना थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला हूँ अभी, और कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है पर नकली कॉन्ट्रैक्ट तो लेते नहीं भैया, हार्वेस्टिंग और ये वाले वो ले सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत $5,000-$6,000 का प्रॉफिट मिलेगा यार, क्या मजा आएगा उसमें, टाइम वेस्ट होगा अपना बहुत ज्यादा। सप्लाई वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपन थोड़े से, जिसमें अपने को माल डिलीवर करना रहेगा लोगों को, उसे बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर उसको करना है तो उसके लिए मेरे पास खुद की अपने पास भी पैसे होने चाहिए ना, तो जस्ट उसके लिए भी मैं थोड़े पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ ये। लेट्स गो, वेट 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 भाया इतनी क्या जल्दी यार। एक बार ग्रेप का देख लेते हैं प्राइस कहाँ पे अच्छी जल्दी, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट पता ना रोज दिन, नई नई प्राइस नई नई जगह पे आती रहती है। बाकी यार ग्रेप की फैक्ट्री लगाने की बात करी थी मैंने, और अगर मैं एक बार इधर से बिल्ड मोनू को अंदर आके बताना तो यहीं पे दिखाई देने, एक बार प्राइस देख लेते हैं ग्रेप फैक्ट्री की प्राइस है कितनी। दरअसल टेलर शॉप तो ये रहेगी, देखो ये जो टेलर शॉप है ना, मेरे को पहले ये लगानी पड़ेगी, ये 100K की तो ये है भाई, $1,00,000 की, तो 100K से ये बनेगी। हाँ टेलर शॉप नहीं, सॉरी, पहले मेरे को टेलर शॉप से पहले बनानी पड़ेगी, कहाँ गई भाई, ये वाली स्पिनरी लगानी पड़ेगी मेरे को, जो कि $60,000 की है। स्पिनरी के अंदर अपन फूल वगैरह डालेंगे ना, तो यहाँ से फैब्रिक बनेगा एंड फैब्रिक की मदद से फिर अपन कपड़े बना पाएंगे। तो ये दो फैक्ट्रियां लगानी है अपने को, जो कि लगा देंगे कभी भी। फिलहाल मैं ग्रेप की फैक्ट्री देख रहा था यार, ग्रेप जूस की फैक्ट्री देखी थी मैंने यार यहाँ पे। ओके तो ग्रेप प्रोसेसिंग प्लांट, तो ये देखो भाई सिर्फ $80,000 लग रहे। तो अगर आज अपने पास में पैसे बच गए, जो अपने पास बहुत सारा माइनस में चल रहे ना, तो ये माइनस देने के बाद अगर पैसे बच गए ना, तो फिर डेफिनेटली अपन ग्रेप की फैक्ट्री आज लगा देंगे। बाकी यार सबसे हाईएस्ट प्राइस चल रही है अपना कुकी सेलिंग स्टेशन के ऊपर, तो लेट्स गो यहाँ सीधे चल के बेच देते हैं इनको। काउंट करना भाई सारे अंगूर बेचने में कितने पैसे मिलते हैं अपने को, राइट? अंगूर भाई किसी कॉफी से कम नहीं यार, हालांकि कॉफी इतने पैसे तो नहीं बनते इससे, कॉफी से तो सीधी एक ट्रेलर से $2,000-$2,500 बन जाते थे, बट फिर भी अच्छे बना रहा है यार ग्रेप, है ना, मतलब रियलिस्टिक प्रॉफिट है इसका, ऐसा नहीं है कि भाई अंधा ही पैसे अंधा ही प्रॉफिट। बाकी 3,2,1 and $87,90,000 या 3,000 तो माइनस में चल रहे थे अपन, वो प्लस हो गए। बाकी एक काम करता हूँ मैं बेच ही रहा हूँ, लगे यार तुम थोड़ा और लेके आ जाते हैं ना, और जो एक पड़े हुए यहाँ पे इनको भी निपटा ही दूँ क्या मैं? हाँ यार बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने में काम आएगा अपना, लेट्स गो एक को भी लोड करवाओ भाई। और इन पोल्ट्री फार्म की बात कर रहा था मैं इतनी देर से, तो बताना मेरे को यार क्या मेरे को कॉन्फिग फाइल के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करके इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, या फिर पता है दूसरा ऑप्शन ये था कि यहाँ से ये जो पेलेट मिलते हैं ना अपने को, ये देखो बिग बैग, तो इन टाइप का एक पेलेट आता है जो कि जैसे इसकी कैपेसिटी सिर्फ 1,000 लीटर है ना, तो उसकी कैपेसिटी शायद 40,000 लीटर 50,000 लीटर इतनी कैपेसिटी रहती है उस बैग की, तो एक ही बैग लाके अपन एक फार्म पे डाल देंगे ना, तो काफी लंबे टाइम से खाना खत्म ही नहीं होगा इनका। मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को एक भी ऐसा स्टोरेज रूम, एक भी ऐसा ऐसी सिलो एक्सटेंशन नहीं मिला जो कि फूड कैपेसिटी बढ़ा सके किसी भी फार्म। बाकी लेट्स गो, ये लास्ट पैलेट एंड कंप्लीट। ओ हाँ नया डे किया, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल डोनट कितने बन गए, इनको उठा के साइड में रख दो यार। बाकी पैलेट गिनवा एक बार कितने हो चुके हैं, अभी भी इन पैलेट में ना अपना ट्रेलर फुल होगा क्या? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि डोनट की प्राइस जो लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करी थी ना, उस हिसाब से अगर देखे ना अपन, तो एक पूरा डोनट का ट्रेलर मान के चलो यार 150K से $200K तक का बिकने वाला है 110%। बाकी तो चलो जब आएगा वो तभी देखा जाएगा। खैर लेट्स गो, नो लोडिंग अलाउ, लोड करो भाई चुपचाप। हाँ वैसे सब उठा लो, ये कचरा वचरा जो भी आ रहा ना रस्ते में सब उठा लो, इसलिए तो लाए ट्रेलर अपन। बाकी यार बड़ी छोटी सी जगह यार यहाँ पे, क्या मैं इधर से निकाल के इधर डाल पाऊंगा इस ट्रेलर को, क्योंकि बहुत लंबा ट्रेलर है अपने पीछे। देखना इधर से निकल जाएगा ना तो उधर टच हो जाएगा ये। प्लीज टच मत होना कहीं पे यार। रुको पहले ये पेलेट लोड करवा लेते। ओके
एंड मस्त यार। अबे यार इतने पहले टोर पड़े हुए अभी तो, एंड ये क्या हो रखा है यहाँ पे, ये क्या हो रखा है इस जगह को। अबे यार यहाँ से तो ट्रेलर नहीं चढ़ पाएगा मेरा कभी, देख लो हालत भी यहाँ पे। एक मिनट, अपने इसके अंदर आते हैं, स्मूदन वाला लेते हैं सॉफ्ट वाला, एंड इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते इधर से। वो सॉफ्ट ब्रश बहुत मस्त लगता है यार, इसमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते, एंड अब देखना कितना अच्छे से चढ़ जाएगा इधर से। ओके बाकी यार ये पैलेट अभी लोड ही नहीं करवा रहा है, फुल हो चुका है ना बेचारा। चलो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो तो एक यहाँ पे बेच देते हैं। एंड देखो एक बेचने से ही अपना कितना हो जाएगा, 30K आ रहा है, 30K प्लस चला गया, 50K हो जाएगा। मेरे को तो लगा 50K तो नहीं होगा यार। हाँ डन, ठीक है कितना, 43K ऑल राइट, तो ऑलमोस्ट 50K। बाकी इसे घुमाना पड़ता है, जगह बहुत छोटी सी जगह है ना अपने यहाँ पे, बाकी कोई बात नहीं, अपन एक्सपेंड कर रहे धीरे धीरे, तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके थोड़े और अंगूर इनको भी निपटा देते और फिर चलते भाई अपने अदर टास्क की तरफ। ऑलराइट तो ये वाला व्हीकल लेते हैं अपना, एंड वेट यार एक बार सेल देख लूं क्या। मैं वैसे मैं सेल क्यों देख रहा हूँ यार, खरीद तो कुछ रहे नहीं अपन यहाँ से, खरीदेंगे यार बहुत जल्दी खरीदेंगे। अभी पता है मैं पैसे ना सही जगह पे लगा रहा हूँ, मतलब व्हीकल आई नो मैं खरीद सकता हूँ, बट मेरे पास अभी बहुत सारे व्हीकल पड़े हुए हैं, समझो बात को। तो अभी ना पैसे थोड़ी इसी जगह लगाते जिस जहाँ से अपना को व्हीकल आने के पैसे बन जाए, है कि नहीं। ओके आगे ये क्या कनेक्ट करवा रखा है, इसको हटाओ यहाँ पे। ओके यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना भूल गया हूँ। तो यार आपको पता है थोड़े टाइम पहले मैं और अपने एक्स भाई अपनों ने एक नो मैन लैंड नाम की एक लाइव स्ट्रीम पर एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जो कि 2-3 लाइव के बाद में हमने बंद नहीं करी थी, लेकिन एक गैप आ गई थी उसके बीच में। तो क्या आप लोग चाहते हो जेन्युइनली कि वो वाली लाइव दोबारा से कंटिन्यू हो, नो मैन लैंड लाइव स्ट्रीम मल्टीप्लेयर FS22, मजा आ जाएगा। बाकी यार ये जो ये मूवर है ना, एक बार इस मूवर को देखो, ये वही बेसिक मूवर है जो मैंने Day 1 से अभी तक ये का यही रख रखा है। इधर शॉप में इतने तरह तरह के इतने बड़े बड़े मूवर है ना कि स्पीड को मैं 4-5 राउंड में कंप्लीट कर दूं। तो वो मूवर खरीदेंगे यार, बहुत जल्दी खरीदेंगे, अभी खरीदने पे ना अपने सारे पैसे उधर ही खत्म हो जाएंगे। बाकी यार ये देखो मस्त इधर घास मूव हो रही है, तो जैसे यहाँ पे 25-30 राउंड हो जाएंगे ना फिर अपन सारी घास निकाल देंगे। एक बार 25-30 राउंड या फिर जिस दिन अपनी स्टोरेज के अंदर घास खत्म हो गई ना, उस दिन इस वाली फील्ड की सारी घास समेट लेंगे अपन। एक बार रेंज रोवर देखो भाई कबाड़ कर रखा है इसका, कबाड़ अरे देख लो, एक्चुअली बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, बहुत ही ज्यादा गंदी। मेरे पास कोई वॉशिंग वो भी नहीं यहाँ पे, वॉशिंग पाउडर निर्मा या फिर ऐसा कुछ जो कि मैं धो सकूं वहाँ पे। खैर इन सब चीजों को बाद में धोते रहेंगे, फिलहाल जो मैं चीज बताने वाला हूँ ना वो जगह जो कि है अपने ऑरेंज ट्री के लिए, मतलब ऑरेंज के जो पेड़ लगाने वाले ना अपन, ऑरेंज का जंगल, उसके लिए एक मस्त जगह दिखी मेरे को। पहले प्लान हो रहा था कि ये जो फील्ड है ना कॉटन वाले, इस फील्ड के अंदर करते हैं अपन कहीं ना कहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इस फील्ड को ना किसी और चीज में यूज में ले लेंगे अपन, फैक्ट्रियों में या फिर ऐसा कुछ कुछ लगाएंगे ना, तो उसमें जैसा फिश के भी फार्म लगाने अपने को अभी, तो बड़े वाले फिश के फार्म, छोटे तो अपने लगा के छोड़ दिए पहले, मजा नहीं आया उनमें, बड़े वाले। बाकी ये वाली जगह देखो एक बार, यहाँ पे काफी सारे पेड़ों की एरिया जस्ट अपने इस ये जो स्टोरेज है ना वुड स्टोरेज के साइड में, कितना बड़ा एरिया एरिया देखो एक बार। बस मेरे को इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह थोड़ी सी साफ करनी है, ये पत्थर वत्थर रह गए इनको हटा के, जो पेड़ रह गए ना बस इन पेड़ों को काटना है मेरे को बस यहाँ से थोड़े से। तो एक बार ना इस जगह को अच्छे से देखो भाई, ये जस्ट रेलवे ट्रैक जा रहा है और इस जगह से जो पूरे एरिया में अपन ऑरेंज का वो लगा देंगे जंगल, एकदम ना मतलब मजा ही आ जाएगा। तो चलो यार इस जगह को थोड़ा सा फ्री करने के लिए ना को यहाँ से पेड़ गिराने पड़ेंगे ये वाले, तो लेट्स गो इन पेड़ को गिरा देते एक बार। जो नीचे के स्टंप है ना इनको भी साथ साथ निकाल देता हूँ, पेड़ गिराने और काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वुड स्टोर इतना गिर गया जस्ट साइड में, तो अरे गिर जाए यार, ये भी अजीब हाल है, किसा ताजा ताजा पेड़ काट दिया मैंने यार, सच में यार बहुत पापी लोग अपन। तो चलो भाई एक एक करके डालियां निपटाते इसकी, एंड ये जो आगे का है ना इसको अगर मैं ये मुंह काट दूंगा ना तो ये चल जाएगा। ओके ठीक है, और ये जो चीज है ना ये जो झाड़ लगा हुआ है ये मैं किसी भी मशीन से ऐसे देखो नहीं काट सकता हूं। इसके लिए ना मेरे को इधर ये जो बिल्ड मोड है ना इसके अंदर आके ना यहाँ पे थोड़ा बहुत पेंट वेंट करना पड़ेगा मेरे को, तो इससे ना ये चीज सही हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैं घास पेंट करूंगा ना तो ये झाड़ हट गया। बाकी हाँ ये जो ओक के पेड़ है ना इससे मेरे को शुरू में बहुत चीड़ आती थी, मुझे लगता था कि छी यार भाई स्प्रूस के पेड़ एक नंबर रहते हैं, और स्प्रूस के पेड़ एक नंबर रहते हैं, इन पेड़ों में यार डालियां काटो ये करो वो करो बहुत दिक्कत है। बट ठीक है यार एक बार जब अपने को आ जाती ना चीजें, जब प्रैक्टिस हो जाती ना आपने, फिर यार कुछ भी ऐसा नहीं लगता है। अब देखो अब मेरे को पता है कि बस अपने को छोटा छोटा करके ना एक एक बार में घे डालिया काटो, एंड दूसरी बार में ना जस्ट इस डाली के ऊपर अगर मैं 100 मिल चला दूंगा ना तो ये गायब हो जाएगी। देखा जैसे इसको देखना, ये छोटी वाली दोनों डालियां मैं काटूंगा एंड कंप्लीट, एंड इसके ऊपर चला दूंगा ना तो ये देखो पूरी डाली गायब है ना, मस्त आइडिया। और ऊपर का पूरा पेड़ काटने के लिए ना बस मेरे को यहाँ पे एक बार 100 मिल चलानी पड़ेगी इस जगह पे, गया एंड ये गया हुआ है ना, कितना इजी है। तो चलो यार यहाँ पे कितने पेड़ है वैसे देखा जाए तो 1-2-3-4-5 हो गए भाई, थोड़े है पेड़ ज्यादा, तो काट के ना काट के गिरा देते हैं इनको एक बार, और एक ही बार में ट्रक में लोड करवा लेंगे फिर अपने मस्त। ओके तो यार सारे के सारे पेड़ अपने काट दिए यहाँ पे, अभी मेरे को 2 मिनट के लिए कंस्ट्रक्शन मोड में जाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक बार जगह देखो, जगह तो पूरी क्लीन हो चुकी है। फिलहाल यार ये वाले को लेता हूँ मैं,
एंड यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना ये करके ये जितने भी झाड़ है ना छोटे छोटे इनको हटा देता हूँ मैं, छोटी छोटी घास प्लांट करके, ताकि ये जगह ना अभी तो वैसे भी क्लीन दिख रही है लेकिन थोड़ी और क्लीन दिखने लग जाएगी। एंड डन, कितना मस्त दिख रहा है यार, एकदम क्लीन हो चुका है। अब यार अभी एक चीज और कि यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये रोड कहाँ है देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसमें जाके फेंस ले लेता हूँ किसी भी एक, जैसे मान लो मैं व्हाइट फेंस ले लेता हूँ क्योंकि हमेशा अपन व्हाइट ही लगाते हैं। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे ये भी लगाऊँ, अभी नहीं लगा रहा हूँ मैं क्योंकि उनको पता है फेंस लगाने में मेरे बहुत पैसे चले जाएंगे, बाकी ये भी थोड़ी देर में लगाने वाले अपन, तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है, ये जो रोड का किनारा ना, इस पूरे किनारे पे ना फेंसिंग कर देंगे अपन, ताकि फेंसिंग का इधर वाला एरिया पूरा जंगल का हो जाएगा एकदम मस्त तरीके का। बाकी यार काम करता हूँ, जो पेड़ काटे ना मैंने अभी अभी, इनकी इनको टुकड़े में कर देता हूँ मैं, ताकि ट्रक के अंदर लोड करवाने में ना आसानी रहेगी, इससे पूरे पूरे पेड़ आएंगे नहीं ट्रक के अंदर। करना कुछ नहीं, अपने ये जो इतने बड़े बड़े पेड़ है ना, इनको इतने बड़े बड़े से टुकड़ों के अंदर करना है, तो चलो 2 मिनट लगेंगे इनको, जल्दी से इन सबको टुकड़े काट देता हूँ, मतलब इन सारे पेड़ों के टुकड़े काट देता हूँ जल्दी से। बाकी यार अगेन एक बार फिर से सॉरी, मुझे पता है बहुत बड़ा पाप कर दिया अभी अभी ताजा ताजा हफ्तों ने, ज्यादा ही हरे भरे पेड़ निपटा दिए यार। ऑलराइट कंप्लीट, सारे पेड़ मैंने काट दिए, बीच में से 2 हिस्से कर दिए मैंने। अब इस कार से ना ट्रक लेके आता हूँ मैं, मेरा जो ट्रेलर है ना पेड़ लोड कराने वाला, वो तो शायद इस स्टोरेज रूम के यहीं पे पड़ा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहिया भाई यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी यार इस बंदे ने पूरी फील्ड कंप्लीट कर दी क्या, वेट अटक गया है शायद से कहीं पे। बाकी रुको, मैं कुछ ट्रेलर को हटाना पड़ेगा, मेरा बेचारा घास काटने वाला वर्कर बंद हो गया। वहां का एरिया फ्री कर देते, हालांकि वहां पे अभी तुरंत तो मैं ऑरेंज के पेड़ नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज ना एटलीस्ट अपन जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके ये जो अपने ऊपर जितने माइनस चल रहे ना पैसे, जब निपटा देंगे ना, शायद मैं यहाँ पे हो सकता है लगा दू जंगल ऑरेंज वगैरह का, है ना, संतरों का जंगल। बाकी ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तो यहाँ पे आके अपने सारी की सारी वुड लोड करवाते, आ जाए यार। ये देखो इतनी बड़ी, कितनी छोटी छोटी सी वुड है, लेकिन ये भी नहीं आने वाले इसके अंदर, ये एक और बेड पॉइंट ओके पेड़ों का। लेट्स गो यार, जो जो लकड़ी लोड हो रही है उसको लोड करवाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, एंड बेल्ट लगाओ तुरंत यार, एक तो लोड होती गिर जाएगी लकड़ी, पता भी नहीं चलेगा। चलो 2-3 टुकड़े उड़ रह गए, तो इनको तो बाद में देख लेंगे, पर बाकी यार जगह एकदम क्लीन हो चुकी है अपने, नीट एंड क्लीन। अभी बस यहाँ पे थोड़े बहुत तो फेंसिंग, और उसके बाद तो अपने ऑरेंज की ट्री है ही, ऑरेंज की ट्री अभी नहीं लगा रहा हूं मैं क्योंकि एक पेड़ को लगाने में $5,000 के लगभग लग रहे हैं। ओके काम करते हैं, ये ट्रेलर एंड ये गई सारी लकड़ी इसके अंदर, काम करता हूँ 2-3 लकड़ी, एक लकड़ी और रह गई पीछे। ओके इस ट्रेलर को थोड़ा सा आगे करके दोबारा से ये एक का डन। बाकी इधर देखू ना मैं तो 16,900 लीटर, ठीक है ज्यादा नहीं थी, मेरे को पता ही था वैसे भी, छोटे छोटे तो पेड़ काटे अपने ने, क्या ही मिल जाता उससे। बाकी यार एक बार अपने ये फील्ड देखोगे ना तो घास हो चुकी है अपनी एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ की। ओ वेट, यहाँ पे कितना बड़ा पेड़ पड़ा हुआ है, लेकिन इस पेड़ को मैं हाथों से नहीं उठा सकता हूँ, मालूम है ना कितना, 2.3 यानी कि 2.3 टन का पेड़ है, मतलब बहुत बहुत ही भारी पेड़ है। बाकी एक काम करते हैं, पहले ये जो दूध का टैंक है ना अपना, ये कहीं हर कहीं पे खड़ा कर रखा है, मतलब क्या तो खराब आदत है अपनी। एक काम करते, इसको पहले तो मिल्क का जो बांध है ना वहां पे खड़ा करता हूँ। वेट, इधर की घास, अबे यहाँ की कर दी, यहाँ की घास क्यों नहीं करी, उधर कहीं पे अटक गया होगा वो फिर से। यार वर्कर के अंदर दिमाग तो नहीं होता है, सच बता रहा हूँ यार मैं, इनको ना खाली ये पता है कि सीधे सीधे चलाना, बस अपनी बुद्धि से तो कुछ करते ही नहीं है काम। बाकी ओके ये वाला जो ट्रेलर है ना, इसको यहीं पे खड़ा कर देता हूँ मैं। हालांकि मिल्क देखिए अपन तो सिर्फ 3,400 लीटर, क्योंकि यार सारा ही मिल्क तो अपन यहाँ से चाट गए अच्छी तरीके से पिछली सारी वीडियो के अंदर। मैं मिल्क का प्रोडक्शन अपना तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक मैं काऊ का बांध एक्सपेंड ना करूं, एक का एक बांध घसीटे जा रहे हैं अपन, बांध अपने एक्सपेंड लगाने पड़ेंगे यार और भी ज्यादा, ठीक है ना। खाने वाने की प्रॉब्लम आएगी मेरे को पता है, कर लेंगे सोर्स, उसको कोई बात नहीं। खैर अभी आते हैं अपन फटाफट से, मेरे पास पीसी पड़े हुए 200 के पड़े हुए अपने पास में ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब टारगेट है अपना ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट आपको प्लस करने, और प्लस करने के लिए मैं कुछ ये 600 की, तो सारे बेलिंग शेलिंग ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हाइड करो भाई, इनमें से एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेने वाले अपन, अपन चलेंगे सिर्फ और सिर्फ अदर यानी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। और ये देखो ओलिव का कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, मेरे को 46,000 लीटर, तो मेरे को क्रॉप वाले करना पड़ेगा मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता ही रखा है कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट अभी आने नहीं वाले, क्योंकि ये 3 माइनस में चल रहे ना अपन ऑलरेडी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है अपने को, सिर्फ क्रॉप वाला, सिर्फ क्रॉप वाला और सिर्फ क्रॉप वाला। एंड मेरे को ना इसके लिए बड़ा ट्रेलर चाहिए, और बड़ा ट्रेलर मेरा पड़ा हुआ है शायद से इधर देखो, अभी यहीं पे देखा था मैंने, वो पड़ा हुआ है अपने ग्रीन हाउस के पास में, वो लेके आते हैं। यार मेरा ट्रक चल बसेगा थोड़ी देर में सच, यार इसकी रिपेयरिंग स्टेज देखो एक बार, लगभग खत्म ही होने को चल रहा है, इंजन एकदम अभी बंद हो जाएगा इसका रस्ते में कहीं पे जाके। बाकी और कुछ हो ना हो मैं इसके अंदर फ्यूल जरूर से डलवा दूंगा यार, यहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे चल के ना फ्यूल डलवाते इसमें सबसे पहले, तो क्योंकि इससे ही बहुत काम बनने वाला है, अभी सारे कॉन्ट्रैक्ट इसी से करेंगे अपन, सोचो यही बन पड़ेगा तो क्या मजा आएगा यार, है ना। बाकी ग्रेप मैंने डायरेक्ट बेच दी यार, मेरे को ना कोई सा बात यार अगेन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ मिल रहा है ग्रेप वगैरह का इन सब चीजों का, तो चलो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया ही नहीं। ओलिव एक मिनट रुको, कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले देख लेता हूँ मैं ओलिव मिल रहे नहीं मिल रहे, ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ मैं और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट और जाए माइनस में अपना, क्योंकि ओलिव अगर मैं यहाँ से नहीं खरीद पाऊंगा ना माइनस हो जाएंगे ना फिर। बाकी काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर में ना अभी आ जाएगा कि भाई फुल शिप के यहाँ पे फुल का स्टोरेज फुल हो गया है, तो इसको ना उठा के मैं इधर डालता हूँ। ओके इस पेलेट को भी उठा के इधर डालो,
ऑलराइट, एंड इसको एक्टिवेट करो भाई ताकि ये धक्का देके ना, अरे एक्टिवेट हो जा, तो लेट्स गो। सारे शिप पेलेट है ना, अपने फूल के इनको धक्का मार देता हूँ उधर, ताकि यहाँ पे जगह फ्री हो जाए एंड नए पेलेट रखने के लिए थोड़ी जगह हो जाए। बाकी ये पेलेट भी ना उठा के इधर ही फेंक देते हैं। ये लो यार, एंड तू भी आ बेटे, ये ना ढेर देखो एक बार यहाँ पे। यार एक मिनट रुको, मेरे को पैसे ही है ना, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, मैं एक दो झूले लगा देता हूँ उन लोगों के, यार मेरे को सच्ची मेरे को मजा आ जाएगा और इन लोगों को भी। यार ये पेड़ कितने मस्त है यार, सोचो देखो ये इस टाइप के पेड़ अगर लगा दे अपन तो कितना मजा ही आ जाए एकदम। यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? बड़े ऐसे जगह कवर हो जाएगी यार। बाकी ठीक है चलो, एक पेड़ लगा दिया मैंने, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाकी एक तो इन लोगों की ये लगा देते ठीक है ना। कितने डॉलर का आ रहा है? $50 का। तो कहाँ लगाए भाई इसको? ऐसी जगह पे लगाते कि बीच में से अगर मैं अपना ट्रेलर वाले भी निकाल लू ना तो कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, एक तो तुम ये लो यहाँ पे मजे करो, इसके ऊपर कूदो आराम से। ये लोग जो इधर से चढ़ेंगे बहुत मजा आएगा सच्ची। एक दो झूले लगा देते अपन ठीक है। हाँ ये लो बेटे, यानी बड़ा वाला झूला तुम भी ले लो। ये बड़ी मस्त चीज यार, इसमें जब इधर से स्लाइड करेंगे ना तब आएगा असली मजा। इधर कहीं पे यहाँ पे लगा देते ठीक है। एक इधर चढ़ो यार, तुम्हारे दिल तो लगाए, चढ़ नहीं रहे अलग यार, क्या बात कर रहे हो? अच्छा क्या बोल रहे हो, थोड़ी और वैरायटी लगाऊं क्या? अरे यार ऐसी क्या बात हो गई, अभी लगाता हूँ उनको। यार गाय के साथ ना इंसाफी हो रही है ना, गायों के लिए भी लगा देते थोड़ी सी। हाँ भाई ये देखो, ये लो। अरे अरे ये लो, क्या बोल रहे हो झूला? अच्छा अरे यार ऐसी क्या बात होगी, ये लो ये भी लगा देते तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं लेने गाय से ठीक है। बास्केटबॉल भी करोगे क्या? अरे बास्केटबॉल नहीं होगा यार तुमसे, नहीं तो लगा देते अभी बास्केटबॉल, बास्केट की रिंग लगा देते अभी। बट छोड़ो यार झूला लगा देगा, झूला अच्छा रहेगा इनके लिए। पर झूला छोड़ा, इतने वैसे भी तो झूल ही रहे, इतने तो लगा दिए मैंने। यार ये चीज लगाना जरूरी है भाई, अगर थक वक गए तो क्या करेंगे हैं? एक कुर्सी लगा देता हूँ इन लोगों के, एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं और इनके लगा देते हैं, तो ये बोलेंगे कि हाँ भेदभाव हमारा तो लगा ही नहीं। लो भाई तुम्हारे लिए भी। बाकी यार ये लोग बोल रहे थे मेरे को कि हमारे एरिया में यार हर कोई आके घुस जाता है यार, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का बोर्ड लगा देने का मस्त रहेगा ना, तो ये लगा देते हैं अभी ठीक है ना, ताकि कोई एंटर ना करे इनके एरिया में। आ ये लो भाई ठीक है, खुश मस्त। अभी अपन निकल लेते हैं यहाँ से। और भाई इधर चढ़ो यार, क्या बात कर रहे हो? ये देखो तुम्हारे लिए लगा ऐसे चढ़ के इधर से, शू मजा आ जाएगा तुम्हें नीचे से निकल रहे, बताओ। यहाँ से चैलेंज एक दूसरे के लिए, यहाँ पे आके कूदना ऐसे ऊपर से ठीक है, कल लेंगे अपने हिसाब से। बाकी चलो अपन ऑलिव चेक करते अपने यहाँ सेलिंग के सॉरी परचेसिंग पॉइंट से, क्या मैं ऑलिव खरीद पा रहा हूँ या फिर नहीं खरीद पा रहा हूँ। बाकी यार अपना जो सेंट्रल ट्री है ना वो देखो एक बार, कितना मस्त है व्हाइट कलर का। क्या मैं उसको चेंज करना चाहिए क्या दूसरे कलर के पेड़ के साथ में? और राइट, तो इधर आते हैं, थोड़ा आगे चलने दो यार, नहीं तो कंपोस्ट लोड करवा लेगा इसके अंदर। ओके तो यहाँ से देखते क्या मैं ओलिव खरीद पा रहा हूँ क्या? एज यूजुअल देखो ओलिव नहीं खरीद पा रहा हूँ मैं, तो अच्छा हुआ ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया पहले, नहीं तो एक और जाते अपन माइनस से अभी। ओके ओलिव को करते कैंसिल। ओ सनफ्लावर, वेट सनफ्लावर का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, सनफ्लावर तो मैं लोड करवा सकता हूँ ठीक है ना। इसको देखे अगर तो सनफ्लावर तो मैंने पहले भी करवा रखा है आई थिंक से, या सनफ्लावर करवा रखा है, तो इसको करते स्टार्ट। एंड ये है 44,000 लीटर ठीक है, जिसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 44,000 लीटर होती ही बंद कर दूँ मैं इसको ठीक है, तो देखते पैसे कितने कट रहे अपने और कितने आने वाले, तो इस तरीके से अपने को 600K करने आज। ओके 40, 41, 42, 43, 44 डन, ये पड़ा अपने को $52,000 का। ओके चलते इसको बेच के, बेचने के लिए देखने तो बेचना कहाँ इसको, ला दे जार्डिन फार्मर ठीक है लास्ट में, और इससे मिलेंगे अपने को 125K। तो ये वाला जो फार्म है ना ये तो मेरे को मार्क करने की भी जरूरत नहीं आ रही है यहाँ पे, लेट्स गो निकलते। एंड यार आप लोग बोल रहे थे कि मैं FPP ड्राइविंग करूँ इसके अंदर, मतलब ये जो फर्स्ट पर्सन ड्राइविंग होती है ना ये करूँ, तो चलो यार अच्छी बात है यार, इसमें भी मजा आता है कभी कभार ना ऐसे फर्स्ट पर्सन भी स्विच कर लिया करेंगे अपन। ये देखो यार कितना अच्छा दिखता है अंदर से एक बार देखो जस्ट, हालांकि इसमें मेरे को ज्यादा व्यू मिल नहीं पाता है। बाकी यार एक बार 100 मील का भी चक्कर मार लेना अपन, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लैंक कितने बने अपन। बाकी ये देखो यार फर्टिलाइजर का टैंक पड़ा हुआ है, फर्टिलाइज किया था ना आप तो ने पिछली वीडियो के अंदर। बाकी दिखे अंदर पेलेट ठीक है, मेरे को दिख गए ना, हे पेलेट काफी, इतने ज्यादा भी नहीं है लेकिन हे थोड़े बहुत। क्या करें टाउन के बीच में से निकाले क्या? एक काम करते हैं, काफी लंबा टाइम हो चुका है अपना रोड यूज नहीं करा आपने, लेट्स गो इसी रास्ते से चलते हैं। आई नो मुझे पता है मेरे को उधर साइड में जाना है और ये रास्ता आपने को वो उल्टी तरफ ले जा रहा है, बट ठीक है फिर भी अब बनाया यार अपने इतनी मेहनत से तो यूज करते ना इसका। अब देखो यहाँ पे पता चलती है पावर, काफी टाइम पहले अपना जो ब्लू कलर का ट्रैक्टर है ना जो कि 450 horsepower का है, तो एक बार वो ना पूरा ट्रेलर भर के ला रहा था यहाँ पे और वो इतना आसानी से चढ़ गया था ना। अब ये ट्रक देखो भाई, ये ट्रक 700 horsepower का है शायद से, 500 horsepower का आई थिंक। देखो भाई कैसे चल रहा है ये देखो, वो इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके चलाना पड़ेगा मेरे को। अब ये लोड ही नहीं ले रहा है कसम से, चल ले भाई मेरे, रो दिया यार ये ट्रक सच्ची रो दिया यार। काश मेरे पास 200 के होते यार, ये जो वोल्वो का ट्रक दिख रहा ना यहाँ पे, कहाँ गया भाई? यार ये वोल्वो वाला ट्रक देखो 750 horsepower का है, अगर मेरे पास पैसे होते ना सच्ची तो मैं खरीद लेता, इतना पावरफुल और कुछ दूसरा है भी नहीं यार। ये है मेरे पास में जो कि 500 horsepower का है। अरे चढ़ जा ऐसे पीछे मत जा, ये देख लो भाई हालत इसकी। अरे वाह ये चीज नहीं दिखी मेरे को अभी भी, ये देखो मैंने एक बटन दबाया ना तो ट्रक के अंदर अलग लाइटें चल रही है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं इसके अंदर सच्ची में, इतने टाइम से ट्रेलर यूज कर रहा हूँ। बाकी यार ये देखो क्या मस्त चप 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 करके लाइटें चल रही इधर से, लेट्स गो। जैसे करके खेतों के तुम से होते हुए आ चुके अपन अपने सेलिंग पॉइंट के ऊपर, तो बेचते अपना ट्रेलर और कलेक्ट करते अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट के पैसे। और इस तरीके से मुझे नहीं पता मेरे को कितने कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे तब जाके मेरा गोल जो है ना वो कंप्लीट होगा, बट जो भी है ठीक है। आ गए अपन, वेट वेट वेट, ओके
लेट्स गो अनलोड करवाते हैं अपना सामान यहाँ पे। 1600 डॉलर तुमको एक्स्ट्रा मिले एंड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कंप्लीट। यार सेविंग का क्यों आ जाता है बार बार। ओके इसको करता हूं मैं कलेक्ट एंड मेरे पास हो चुके 272K। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ 70K का। ओके यार यहाँ पे मैंने अपने खुद के फ्यूल स्टेशन लगा रखे दो। क्या मैं अरे यार कहाँ फंस जा भाई, फंस जा पेड़ों फंस जा। ओके तो अपने खुद के दो दो स्टेशन लगे पड़े यहाँ पे। क्या मैं फ्यूल डलवा पाऊंगा इसके अंदर? अरे वाह डलवा पा रहा हूँ। तो चलो अपने यहाँ से फ्यूल लोड करवाते इसके अंदर कंप्लीट, पूरा ही ट्रक भर देता हूँ मैं। हालांकि अभी भी रिपेयरिंग यार बंद हो जाएगा बीच रस्ते में अगर मैंने इसको रिपेयर ना करवाया तो। मैं रिपेयर इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें 20-25-30 डॉलर कट जाएंगे यार, बट करवाना पड़ेगा हमको। वो नहीं करवाएंगे ना तो फिर अलग ही प्रॉब्लम। ठीक है हो चुका है फ्यूल अपना कंप्लीट। अरे अच्छी पटरी, मैं भी बोलने वाला था कि वो ट्रक उड़ने वाला है अपना और देख लो भाई। अरे यार अरे कहाँ फंस रहा है, ट्रेन आके ठोक जाएगी अभी। ये देखो भाई यार इस ट्रक को बेचता हूँ मैं तो कितने पैसे मिलते हैं यार, एक बार मेरे को इसकी सेलिंग प्राइस दिखाओ यार जरा। 19,000 डॉलर। दिमाग खराब हो रहा है थोड़ा सा। मैं पता है क्या सोच रहा था कि 19,000 डॉलर मिला के ना मैं बड़ा ट्रक ले लूंगा इसको बेच के। बताओ 19,000 डॉलर तो इसके मिल रहे बस खाली। हाँ कुदा दे कुदा दे कुदा दे, इतना प्यारा रास्ता बना रखा है, पता नहीं कहाँ से ट्रक कुदा है मैंने भी क्या यार। एंड आप में से किसी ने बताया था कि ये जो ट्रेलर है ना जो खरीद रखा है मैंने, इस ट्रेलर को मेरे को इसी ट्रेलर के ऊपर लोड करवाना पड़ेगा। मतलब इस ट्रक के पीछे जो ट्रेलर रहता है ना फ्लैट ट्रेलर, उस पर लोड करवाना पड़ेगा इसको। तो ठीक है मुझे लगा उसके लिए कुछ क्रेन व्रेन वाला सीन होगा यार। बाकी 21,000 डॉलर लग रहा है इसको रिपेयर करवाने का। नहीं 6,000 डॉलर, तो 21,000 डॉलर तो वैल्यू है इसकी। ओके तो चलो यार 6,000 डॉलर लग रहा है इसको रिपेयर करवाने के। ठीक है इसकी रिपेयरिंग करवा देते फुल। एंड काफी टाइम से मैंने इसको कलर नहीं करवाया यार। 14,000 डॉलर नहीं करवाना अभी, रहने दो। लाल कलर क्या लगता है यार वो। बाकी लेट्स गो चलते अपने दोबारा से अपने घर पर अपने फार्म पर। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से नया कॉन्ट्रैक्ट देख लेता हूँ ठीक है ना। तो चलो यार एक अच्छा सा, ये देखो फिर ओलिव का आ रहा है, तो एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और ये छोटे मोटे नहीं थोड़ा बड़ा ही वाला लेते हैं ना। ओ सोया देनी इनको 31,000 लीटर और ये मेरे को दे रही। ओह ये क्या कॉन्ट्रैक्ट आया, एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे को कितने लेनी है एक सेकंड। 31,000 लीटर ओके। तो मेरे को मेरे घर से 31,000 लीटर सोया खरीदनी है और घर पे बेचनी है। मतलब घर पे जो अपना होलसेल मार्केट लगा रखा ना मैंने, मेरे को वहीं पे बेचनी है। और सोचो फ्री फंड में मेरे को 145K मिलने वाले। मतलब आई नो थोड़े पैसे इसमें लगेंगे भी सही, क्योंकि सोया खरीदनी भी अपने को। बाकी यार ये जो सामने अपना होलसेल मार्केट लगा हुआ है ना जस्ट यहीं पे बेच के आना है अपने को। आगे काम करते हैं अपने ट्रेलर को ना अपने इसके अंदर से निकालते। यहाँ से ना मैंने ये जो घास की यहाँ पे वॉल लगा रखी थी पहले वो हटा दिया ना, तो देखो कितना मस्त ओपन एरिया बन चुका है इधर। ओके इसको पूरा घुमा के बस 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 एक बार मैं देख लेता हूँ होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट ठीक है। और ये जो मैंने लगा रखा है क्या यही होलसेल मार्केट है ना? वैसे मेरे को पता यही होलसेल मार्केट है, पर कंफर्म कर लेते यार। क्या है कि चीजें ना आपको पता होती है उसके बाद भी अपनी उल्टी पड़ जाती है बहुत बार। डन सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कंप्लीट। एंड कितना भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कितना अच्छा था यार, खड़े खड़े पैसे मिल गए अपने को बिना कुछ करे। मेरे पास हो चुके 373K यार। मुझे पता ऐसा लग रहा होगा कि यार ये अपन चीटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली चीटिंग नहीं है कि मतलब अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे यार, अपन वैसे भी हमेशा नहीं करते, कभी कभार अपने को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है ना तो अपन ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इसके अंदर भी यार थोड़ी सी मेहनत तो लगती है ना सामान देके आने में, है कि नहीं? वो सामान खरीद के लिए पैसे अपने को कलेक्ट करने पड़ते हैं, समझो बात को। बाकी सनफ्लावर का दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट और ये मेरे को देख के आना है वहीं पे जहां पे अभी मैं देख के आया हूं। तो ठीक है ऑलराइट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा ट्रेलर अपना लेट्स गो, ये भी लोड करवाते हैं। एंड इस बार हो जाएंगे अपने पास में, वैसे पैसे लगे भी यार सनफ्लावर लोड करवाने के तो 400K हो जाएंगे। ये क्या लगता है कितने इससे 100K प्लस होने वाले? ओके एंड अपने पास हो चुकी है 430K। एक काम करूं क्या, 400K तो हो चुकी है मेरे पास में, इनसे शुरू करते हैं। कॉटन वाला सबसे पहले कलेक्ट करता हूं मैं ताकि इसके माइनस हो। ओके 180K कट चुके हैं मेरे, अभी भी मेरे पास में 250K पड़े हुए हैं। तो मैं काम करता हूँ ये जो डीजल वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास सिर्फ 100K पड़े हुए हैं, लेट्स गो। एंड अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आने लग गए ना, कितने सारे आने लग गए, ट्री सैपलिंग सोया शोरगो तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गए मेरे को, देख रहे हो मजे की बात। और आए तो चलो यार मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट और नहीं लूंगा ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ मैं माइनस के प्लस करवाने के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे पास देखो अभी भी 300K के लगभग पड़े हुए हैं, और ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहीं पर सप्लाई करनी है सोया को, तो इसको भी कर लेते हैं। एंड इसके बाद जितने भी पैसे होंगे ना बस ये जो सप्लाई वाले कॉन्ट्रैक्ट करना ये अभी नहीं करने वाले अपन। ओके तो लेट्स गो, ये वाला यहाँ पे करते हैं कंप्लीट। एंड मेरे को लग रहा है कि मेरे पास इतने पैसे ही कि मैं ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कंप्लीट। एंड अगर मैं इसको करूं तो 100K मेरे को इसके मिल जाएंगे। तो देखो 370K यानी कि 400K पड़े हुए मेरे पास में। तो जल्दी से सबसे पहले तो ये जो वुड वाला है ना इसको करता हूं मैं कलेक्ट। तो 250K तो इसमें चले गए, अभी मेरे पास में 120K और है। ओके तो काउंट करो, अगर मैं ऑरेंज के ट्री लगाता हूं तो एक ट्री 5,000 डॉलर का पड़ता है अपने को। 10 ट्री पड़ेंगे अपने को 50,000 डॉलर का, मैं सिर्फ 20 पेड़ लगा पाऊंगा, क्या बात कर रहे हो यार। देखो सबसे पहले तो ना अभी चलते, मैं पहले बोल रहा था कि अपन ग्रेप जूस की फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन अभी अभी मेरा प्लान थोड़ा सा मूड चेंज
युवा में सोच रहा हूँ कि ग्रेप जूस की फैक्ट्री ना अपन नेक्स्ट वीडियो में लगा देंगे, इस वीडियो में, क्योंकि अपनों ने अभी भी जगह फ्री करी है ऑरेंज के बगीचे के लिए, तो वही लगाते ना। तो उतरते हैं एंड आ जाते हैं अपने बिल्ड मोड के अंदर। ये देखो ये खड़े कितने अच्छे लगते यार अपना ना, इसके अंदर FS22 का टी शर्ट पहन लिया काले कलर का और दादा बन रहे मतलब। ऑलराइट, आ जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर, एंड ये रह गए हमारे ऑरेंज के पेड़, जो कि अपनों को यहाँ से अपन ऑरेंज कलेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, बट या अपने को मंथ के मंथ $1200 लिख रखे इसके अंदर। अब देखते हैं कितने मिलने वाले, तो मैं 20 पे लगा सकता हूँ टोटल, ठीक है। तो एक अपन यहाँ पे लगा देते हैं, एक इसके जस्ट पास में, सोचो मैं मैं इतना पास में लगा सकता हूँ क्या? लगा सकते हैं अपन, मैं बहुत चिपका चिपका के भी लगा सकता हूँ इनको, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अपन इतना इतना दूर लगाते हैं, ठीक है ना। ताकि अभी वैसे 20 पेड़ लगा रहा हूँ मैं, बाद में लगाने होंगे ना अपन इनको, वो कर देंगे पास पास में। दो, ओके, पांच, फिर यहाँ पे आके छह, इधर आके यहाँ पे सात एंड 20। ऑलराइट, सिर्फ $20,000 बचे मेरे पास में। तो देखो 20 पेड़ मैंने इस तरीके से लगा दिए। अभी एक पेड़ अपने को $1200 दे रहा है, 10 पेड़ देंगे अपने को 120 के, नहीं 12,000, सॉरी क्या गलत कैलकुलेशन हुई, और इन 20 पेड़ के मेरे को मंथ के $2,400 नहीं मिलेंगे, क्या बात कर रहे हो आप। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नए नए पेड़ और भी लगा देंगे अपन, तो ये बगीचा जितना इतना बड़ा होता जाएगा ना, उतना और ज्यादा मजा आता जाएगा। बाकी यार यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि बस 20,000 तो पड़े हुई है, फेंसिंग में आके ना थोड़ी फेंसिंग कर देते यार यहाँ पे। यार फेंसिंग करते एरिया का लुक ना ऐसा इनहेंस हो जाता है ना सच में। ओके 17,000 सिर्फ, अरे बहुत पैसे लग रहे यार इसके अंदर, बट ठीक है, जस्ट लुक क्योंकि अच्छा हो जाएगा ना, इस वजह से कर रहा हूँ मैं। और ये फेंस भी अच्छी लग रही है मेरे को, बस कर भाई, सिर्फ $4,000 बचे यार। ओके, और इधर के $3,000 और मैं यहाँ पे उड़ा दूं अगर, तो मेरे पास रह जाते बच के सिर्फ $1,600, बाकी सारा काम डन, इधर फेंसिंग भी लग चुकी है। तो यार एक बार कार के अंदर आ जाओ, इधर देखो यार, ये देखो ऑरेंज लगे हुए दिख रहे, हालांकि तोड़ लो इनको कलेक्ट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, बट वही है कि अपने आप बिकते रहेंगे यहाँ से एंड प्रॉफिट अपने को मिलता रहेगा। अभी मैंने इतनी गेप इसलिए रखी है क्योंकि अपने पास इतने पैसे नहीं थे कि अपन मैं बहुत सारे पेड़ लगा पाऊँ अभी की हालत में, है ना। बाकी यार जब पैसे आएंगे अपने पास में तब लगा देंगे यार, इस पूरे एरिया को भर देंगे अपने से, क्या बात है। अपने 100 mil का भी लुक ले लेते, देख लेते कि भाई यहाँ पे प्लैंक किस कदर बन रहे और कैसे बन रहे। यहाँ पे ना बड़ी लकड़ियाँ बनाना बंद कर रखी है मैंने, सिर्फ ये जो छोटे प्लैंक है ना, ये एंड ये भी छोटे, ये बड़े प्लैंक है शायद से, ये भी नॉर्मल प्लैंक है, तो लॉन्ग प्लैंक कहाँ बन रहे इसमें फिर, ये लॉन्ग लेंगे। ओके ये रहेगा लॉन्ग प्लैंक, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉन्ग प्लैंक मतलब लंबे प्लैंक, इधर छोटे प्लैंक, तो प्लैंक भी बन रहे, फैक्ट्री भी अपनी अच्छी खासी चल रही है। 25,000 लीटर प्लैंक बना दिए इसने इतनी देर में। बाकी ये प्लैंक अपन डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, इनको यूज करेंगे अपन मल्टीपल चीजें बनाने में। अगर तो चलो यार इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, खूब सो मजा आया होगा आप सभी को इस वाली वीडियो के अंदर। मैं कोई कुछ भी ओपिनियन या कुछ भी सजेशन हो तो दे देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ओके। सारे कमेंट तो देखते ही अपन, आप लोगों को पता ही है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में, गुड बाय।